पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सदन में चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्रस्ताव पास किए जाने को लेकर भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कड़े शब्दों में निंदा की है। ये बात उन्होंने नरवाना में पत्रकार वार्ता में कही। साथ में उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा का छोटा भाई माना जाता है, लेकिन जब भी हरियाणा के हितों की बात आती है तो पंजाब की राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर हरियाणा के 2.5 करोड़ जनता के हितों पर कुठारघात करती हैं। साथ में रवि आजाद ने नियम 134 से हटाने पर कड़ा विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि वह इस निर्णय को वापस ले, नहीं तो बच्चों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज। देखिए, सबसे पहले तो SYL के पानी पर हरियाणा का जो हक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे मोहर लगाई है कि SYL का पानी हरियाणा को दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी वहाँ की पिछली पार्टियों की तरह, उन सरकारों की तरह ही वो राजनीति कर रहे। एक तरफ वो कहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, और दूसरी तरफ हमारे अधिकारों पर डाका डालने का काम किया जा रहा। और जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, एक कॉमेडियन मुख्यमंत्री भगवत मान, जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि SYL के पानी पर हरियाणा का हक नहीं है और चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए, सबसे पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं और इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमारी ये अपील और निवेदन है कि वो प्रधानमंत्री से मिलें, वो केंद्र सरकार से मिलें। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे हक में है और वो मजबूती के साथ पक्ष रखें हरियाणा का। और इसी के साथ में जो शाह कमीशन है, जिसने ये स्पष्ट कहा कि चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक है, इन दोनों मुद्दों को लेकर के विधानसभा का, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो तत्काल विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएं और ये प्रस्ताव पारित करें SYL के पानी को लेकर के और चंडीगढ़ को लेकर के, और वो केंद्र सरकार से मिले, प्रधानमंत्री से मुलाकात करके मजबूत पैरवी करें। आज जो पंजाब में हुआ है, ये कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के रिश्तों को खराब करने का काम है, और हम पंजाब की जो आप सरकार है उसके इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हरियाणा की जो 2.5 करोड़ जनता है, ये उनके हितों के ऊपर कुठाराघात है, ये उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ वही आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। SYL हमारा बहुत बड़ा मुद्दा, चंडीगढ़ हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे हितों के ऊपर हमला करके आम आदमी पार्टी राजनीति हरियाणा में नहीं कर सकती। वो ये बात कान खोल करके देखिए, पहले किसान सड़कों पर आए, फिर खिलाड़ी सड़कों पर आए, और दोनों जगह जीत हुई, खेल का कोटा बहाल करना पड़ा। अब उसी प्रकार से गरीब जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अब उनको सड़कों पे लाने का काम कर दिया। हम सरकार को ये स्पष्ट चेतावनी, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, ये सबको सड़कों पर लेकर के आएंगे, बीजेपी और RSS वाले, JJP वाले। तो हमारी सबसे यही अपील है कि सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करें। जो प्रतिभाशाली, जो गरीब बच्चे हैं, जिनसे ये अधिकार छीन लिया गया कि वो अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल की फीस के बराबर प्राप्त कर सके प्राइवेट स्कूलों में, हम इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो तत्काल इस निर्णय को वापिस ले, अन्यथा फिर बच्चों के साथ आंदोलन किया जाएगा, उनके अभिभावकों के साथ आंदोलन किया जाएगा। और इसी को लेकर के एक बड़ी शुरुआत भाई अनिल बेनीवाल के नेतृत्व में चाणा में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हरियाणा सरकार के, जो ये एक तरह से छात्र विरोधी जो फैसला है, इसके खिलाफ वहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। और मेरी सबसे अपील है, इस फैसले का विरोध करें और संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन पूरी ताकत के साथ साथ देगी सबका।